एक साल से मेगा शार्क ने अटैक नहीं किया है और दुनिया की इकोनॉमी अभी रिकवरी नहीं हुई है। समुद्र से डर और कमर्शियल एक्सपोर्ट्स के बहुत कम होने की वजह से बहुत सारे देशों में नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। तेल का व्यापार बहुत कम होने की वजह से रूस दुनिया के आंकड़ों में बहुत नीचे चला गया है। और रिसोर्सेज के लिए रशिया पर इल्जाम लगाया गया है कि वो दूसरों के वाटर में जाकर माइनिंग कर रहे हैं। और रूमर्स ये भी है कि सोवियत ईरा फिर शुरू हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस इस बात को बहुत सीरियसली ले रहा है और सब मुल्कों के साथ बात कर रहा है ताकि आपसी मतभेद ना हो और शांति बनी रहे। और ये भी पता चला है कि अनआइडेंटिफाइड सोनार कॉन्टैक्ट्स साउथ अमेरिका में मिले हैं और डर इस बात का है कि माहौल बिगड़ सकता है। विली की पकड़ कनेक्ट हुई है और हम कामयाब हुए हैं। यूनिकॉर्न वन वॉइसेस अब मैच कर रहे हैं हमसे। यूनिकॉर्न टू हम ग्रीन है पूरे बॉर्डर पर। कॉपी दैट, आगे बढ़ रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए। जितनी जल्दी हम यहाँ से निपटेंगे उतनी जल्दी यूनिकॉर्न शार्क का शिकार कर पाएंगे, इसलिए तो वो है। Sonar contact running IFF Russian registry the Tyrarium Lambda class traveler Sovat ke paas travelers hai last unhone fishing ki kise kya pata kya hai wo unicorn weapons standby ho jao commander channel open karo Tyrarium tum UN operation pe interfere kar rahe ho cargo ko roko वो बेकार अमेरिकन हमें परेशान कर रहे हैं। ऑर्डर 66 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोटोकॉल के हिसाब से तुम्हें पानी के बाहर जाना होगा। डाइवर्ट माइनिंग लैंड को उठाओ। अरे इनको कोई बताओ इस रडार के बारे में। हमारे रडार टूट गए हैं, फ्यूल कम हो गया है। नजदीकी पोर्ट है रियो। एडमिरल उनके रडार टूट गए हैं ऐसा हमें दिख रहा है, बट हम डिटेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक रेडियोलॉजिकल कंपाउंड ऑन बोर्ड। इंटेल कहता है कि रशियंस उन कंपाउंड की माइनिंग रेड मर्कुरी के इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं। अगर वो नहीं चला तो उसे दूसरी तरफ रखते हैं। सर अगर हमने फायर किया तो वॉर डिक्लेयर हो जाएगी। टाइटेरियम तुम्हारे पास 3 सेकंड है अपने कार्गो को क्लीन करने के लिए। अरे यार इनको कोई रेड मर्कुरी के बारे में बताओ। वो एक मिरेकल पत्थर है। कोपरोलाइट पत्थर हम निकाल रहे हैं बिगर परमिशन के। पता नहीं मास्को इसका क्या करेगा, अच्छे पैसे की उम्मीद है। वो सोल्जर्स नहीं है, लगता है सिविलियंस है, बेकार लोग हैं। तुम पोर्ट की तरफ जाओगे, अपने आप को सरेंडर करोगे इलीगल माइनिंग के लिए और अरेस्ट हो जाओगे। अगर कोई गड़बड़ की तो हम फायर करेंगे। कॉपी दैट। चलो जल्दी लाइंस खींचो और यहाँ से निकलते हैं। जरा जोर से खींचो, कुछ भारी अटक गया है। अंदर आने दो कमांडर। यूनिकॉर्न्स पोजीशंस लो। बस खत्म करो। फाइव वे कट हो गया है, शायद इसी इंपैक्ट की वजह से। सिंक कोड करप्ट हो गया है, पूरा सेक्टर अंधेरे में है। यूनिकॉर्न टू हमारी भी यही हालत है, यहाँ भी डार्क है। रिबूट ऑल सिस्टम। बैकअप लो कमांडर। कमिंग ऑनलाइन। नहीं ओ इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। Oh no! Nice!
उसे छुटकारा पाना है। कैसे? एक्शन स्टेशन यूनिकॉर्न 1 और 2 अभी भी ऑफलाइन है। उस साउंड बैरियर को उठाओ। हम अभी भी कनेक्टेड है बॉय से सर, उसे ऑन करने से साउंड वेव के द्वारा हम उसे खत्म कर सकते हैं। 1 more second। ऑनलाइन इन 30 seconds। हमारे पास 15 second है कमांडर। कमांडर गो, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। शार्क ने रशियन शिप का खात्मा कर दिया है। शायद पत्थर के लिए अट्रैक्ट हुआ। डिफेंस बॉयज के पास कोई अफेक्शन नहीं होता। वो सीधा रियो की तरफ जा रहा है। मैंने सोचा कि बॉयज काम करेगा, लेकिन किसी को बचाया नहीं गया। एडमिरल, यूनिकॉर्न स्क्वाड्रन एंगेज की परमिशन चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 2 units हैं और बाहर का सपोर्ट नहीं है। हमें पता है रिस्क है सर। ये नया पैदा हुआ मेगालोडॉन है, 30 feet लंबा है। इससे अच्छा शॉट नहीं मिलेगा सर। यूनिकॉर्न 1 इंटरसेप्टिंग। यूनिकॉर्न 2 इंटरसेप्टिंग। प्रॉब्लम है 400 meters पे। गर्ल्स होशियार हो जाओ, हमें इसीलिए तो ट्रेन किया है। पावर टू मैक्सिमम, वेपन्स ऑनलाइन, आर्मिंग ऑक्सीजन, डिस्ट्रॉयर मिसाइल्स, शोर के पास है। शार्क से ज्यादा लोगों की जान जाएगी। दूसरा क्या रास्ता बचा है? अटैक पैटर्न रेड 5। और उसके पास चलाओ। तुम्हारे पास विजुअल्स है, मिलेंगी क्या? सोनार के लिए इंटरफेरेंस ज्यादा है। मिसाइल्स ऑफलाइन है, हाफ द सिस्टम डाउन, वी टेकिंग ऑन वाटर। उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। अब कौन बच के जाएगा? यूनिकॉर्न 2 ने उसे बर्बाद करना चाहा। वो अपने आप को शार्क के साथ ब्लो करना चाहती है, चाहे जान क्यों ना जाए। वो शार्क से बदला लेना चाहती है। वार्निंग, हल क्रश डेप्थ की तरफ बढ़ रहा है। अब कौन बच के जाएगा? शाक हमारे ग्रिड से बाहर हो गया। ये जगह हमारे लिए बेकार लग रही है बैंडिक्ट। मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। दौलत उनकी सारी चिंताएं दूर कर देगा।
तुम्हारी भी। आओ चलो दोस्तों। बेनेडिक्ट, इतना सब किस लिए? मैं भी यही कहना चाहता था इवान। तुम्हारे यूनिफॉर्म को क्या हो गया? बेकार उक्रेन, भावुक हो जाते हैं। रशियन स्पेशल ऑप्स का एक पांव हमेशा जमीन पर रहता है तो। मैं देख रहा हूँ कि नन्ही जान अभी भी तुम्हारे पास है ममुष्का। अगर तुम्हें कभी भी एक नौकरी की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आओगी, ठीक है? मेरे पास बहुत काम है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें दे सकता हूँ कुछ? मैं तुम्हें भी दिखा दूं कुछ? बड़ी वो हो ममुष्का तुम। लेकिन काम पहले, प्यार और लड़ाइयां बाद में। मैं सोचती हूँ लड़ाई ही हो सकती है। इवान, ये तुम्हारी अपनी सोच नहीं लगती। बुरा समय जब शार्क आता है तब पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि जैसे कोई क्यूबन मिसाइल दुर्घटना है। ये लोग समझते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, और उस हड़बड़ी में मिलता है मौका। और हाँ, मुझे कैपिटलिज्म पसंद है। यहाँ पे फैक्ट्री होनी चाहिए थी, है ना? आधी दुनिया इसी जगह की खोज में है। हाँ, ये शहर उठता है मुर्दा देश की राख से, और राख बनाने के लिए जलाना पड़ता है। मॉस्को, केव, सेंट पीटर्सबर्ग, कोई नहीं पता कर सका। मैं ढूंढ सकता हूं। हम जम रहे हैं। क्रियोजेनिक्स बहुत ठंडा है। रिएक्टर्स को सोने दो। ममुष्का, तुम्हें गर्मी चाहिए ना? रेड मर्कुरी अल्टीमेट पावर सोर्स है। सोवियत ने बहुत पहले छिपाया था। हमें बहुत बड़ा हीरो बनना है, समझे? सरकार को देंगे तो बड़ा गोल्ड मेडल लगेगा सीने पे रशिया की तरफ से। मगर इवान को बस चाहिए सिर्फ गोल्ड। वाह, कितना देशभक्त है। तुमने कहा यहां और भी होंगे। बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट। कैश सिर्फ आधे ऑर्डर का। बाकी का पैसा स्विस अकाउंट में। मेरे खरीदार बहुत इंतजार कर चुके हैं इसके लिए।
एजेंट किंग, वहाँ सब अलग है, ट्रैक करने में गड़बड़ है। किंग टू कंट्रोल, कम इन कंट्रोल। रुको, सिग्नल नहीं है, हमारा टारगेट बेनेडिक्ट। हम सब तुम्हें मारना चाहते हैं। एजेंट मामुश्का। किंग टू कंट्रोल, मूव इन कंट्रोल। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि रेड मर्कुरी के साइड इफेक्ट्स हैं स्क्रैम्बल रेडियो वेव्स, वो ठीक नहीं होगा। हाँ, या चलता हूँ मामुश्का। किंग, ये क्या कर रही हो तुम? CIA एजेंट हो ना? पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओ जरा रुकिए रुकिए। वेलकम वेलकम। मैं ठंडी सांस ले सकता हूँ डॉक्टर एलिसन ग्री? मैं समझता हूँ कि दुनिया को और अधिक सोचना पड़ेगा। मैंने इस इरिटेटिंग वॉइस को पहचान लिया। क्या वो इन दिनों किसी और को अंदर आने देते हैं? वैसे मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा। ओ, पता नहीं था तुम पढ़ते भी हो। मैगल डाउन डीप डाइव डिफेंस टेरिबली, वो पीस ऑफ रिसर्च अगर आप मुझसे पूछें। वैसे तुमने पॉइंट अच्छे उठाए थे। वैसे मैंने अगर थोड़ी मेहनत करके पढ़ा होता तो यूनिकॉर्न की टीम ने जो सैक्रिफाइस किया है वो। ऐसा क्या? एक्सक्यूज मी, यहाँ आने के लिए सबका शुक्रिया, लेकिन मैं चाहता था कि आपको ना आना पड़ता। आप लोगों को बता दिया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, लेकिन जब यहाँ से मैं निकलूँ तो मुझे हर एक बात जाननी है कि ये शार्क्स क्या करते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने US मैरिटाइम को बैन किया है। अनफॉर्चुनेटली UN के ऑर्डर की वजह से कुछ वेसल्स अभी भी वहाँ हैं। रियो की वजह से हमने फिशिंग बोट खो दिया है और फूड एड शिप भी वहाँ रह गया। बेन कहाँ गया? ये मेगालोडॉन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हमने आधे से ज्यादा बर्फ पे हमला कर दिया है ताकि हम उन आखिरी शख्स का पता कर सके, लेकिन ये कैसे हमसे छूट गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये DNA लास्ट मेगालोडॉन की तरह ही है। क्लियरली ये पार्थेनोजेनेसिस का केस लगता है, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं मान। पार्थेनोजेनेसिस सिर्फ चार तरह के शार्क्स हैं, जैसे हमें पता चलता है, और हमेशा छोटे जानवर उससे डर के रहते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। रिप्रोडक्शन है, एक अकेला अंडा बच्चा पैदा करता है पेरेंट्स की वजह से। आपने शायद उसकी माँ को मार दिया उसके अंडे देने के बाद। क्राइस्ट, वो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, थियोरेटिकल, इट्स हाईली थियोरेटिकल। सर, वहाँ एक मेडे है ऑफ कैप वर्डे के पास, ये एक मेगालोडॉन है F-18 के रास्ते पर पड़ा। डैमेज, स्क्रीन पे दिखाओ। ये तो 3 गुना बड़ा है। फायर का ऑर्डर दो। सर, वहाँ सिविलियंस भी हैं जो या तो डूब जाएंगे नहीं तो खाए जाएंगे। स्कल वन, तुम तैयार हो जाओ।
टारगेट डिस्ट्रॉय कर दिया। मेगा शार्क नजर नहीं आया। मेरा एक सवाल है, तुमने कहा था रिलीफ शिप्स, वो क्या ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं? शायद खाना। खाना मतलब फूड? हाँ फूड। ऑफ कोर्स एडमिरल, शार्क को गुस्सा आता है। उधर देखो विक्टिम्स को, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। एक ट्रॉली, एक फिशिंग वेसल, और इसको देखो। इससे पता चलता है कि शार्क वहाँ मौजूद है, और जब ये मैच्योर्ड होगा तो और बहुत बड़ा हो जाएगा, समझे? आज सुबह पूरा का पूरा यूएस स्टॉकपाइल मेरे कमांड में ट्रांसफर हो चुके हैं। इज़ोटोप वॉरहेड्स, मुझे लगता था वो बैंड हो गए। आज के बाद नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए ये आखिरी होगा। और वेपन्स इतने बड़े हैं कि वो एयरक्राफ्ट और ड्रोन के लिए नहीं, तो हमें पास जाना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि उसे लोड कैसे किया जाए। आप लोग समझते क्यों नहीं है, जब भी हम शार्क पर अटैक करते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए रिएक्ट करता है, और इसका नुकसान 10 गुना ज्यादा हो सकता है। आप जानते हैं इस बात को। आप इग्नोर करने का सजेशन तो नहीं दे रहे? नहीं, मैं सजेशन ये दे रही हूँ कि हम कुछ और सोचें। मेरी रिसर्च ये कहती है कि ईएम फील्ड्स को अगर हम यूज करें तो हम शार्क को कंफ्यूज कर सकते हैं, और उसके बाद मेगाडॉन के जरिए हम उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। पूरी अधूरी है मैडम, पूरी तरह छोटे मोटे हादसों से बनी है। पूरी तरह एक शार्क को काबू में करने के लिए कितना समय लगता है? कितना, 1 साल या उससे ज्यादा? वो भी अगर सब मिलकर काम करे तो। तुम्हारा खुद का रिसर्च ये मानता है, अगर तुम्हारा ईएम फील्ड शार्क को अटैक करने में प्रोवोक करता है तो इसका मतलब ये तभी हो सकता है अगर फ्रीक्वेंसी डॉक्टर बहुत मेरी बात जरा सुनिए डॉक्टर, मैं बात कर रहा हूँ। यूएन डायरेक्टिव्स बहुत साफ है, इन स्पीशीज को पूरी तरह खत्म किया जाए। इस बात में दम नहीं है, हम मेगाडॉन के बारे में सोच खाना चाहिए, सिर्फ खाना, उसी का फायदा उठा के हमें उसे खत्म करना चाहिए। मुझे ये अब मैं जो अपने कलीग का जो डाउट है उसे क्लियर करना चाहता हूँ एडमिरल। हाउएवर, अगर यूएन अपने हिसाब से कुछ हिदायतें देता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है जिससे हम सक्सेस हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ डॉक्टर बुलक हमारे साथ जहाज में आए, क्या आपके लिए वो ठीक रहेगा डॉक्टर बुलक? तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं एडमिरल? जी हाँ। ठीक है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके कमांडर पार्कर, डॉक्टर ग्रे को क्या आप दरवाजा दिखाएंगे? आपका समय देने के लिए शुक्रिया। इनकी शाक के लिए जो इग्नोरेंस है उसकी वजह से इंसानियत खत्म हो जाएगी। दिस इज क्रेजी, बेकार के इडियट्स हैं सारे, मैं इनके साथ कैसे काम कर सकती हूँ? या हेलो, मैं जानता हूँ वो इडियट्स हैं। हम बात करेंगे। आप कौन हैं? आपका हमदर्द। अगर तुम मुझे समझती हो तो गाड़ी में बैठ जाओ। ओके हाँ, आप टॉल हैं। ओके चलते हैं, थैंक यू। अगर तुम इस दुनिया को बहुत जल्दी खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें मुबारक हो। अगर तुमने बस बेनेडिक्ट और इवान को पकड़ने के लिए मुझे वहाँ भेजा था तो वो मैं 6 महीने पहले कर सकती थी। वो मिशन में नहीं थे, हमें वो रेड मर्करी चाहिए रशियन के वहाँ पहुँचने से पहले। वो अब खुद दरवाजे तक चलते हुए पहुँच जाएगा। हम उसे साफ कैसे करेंगे? हम नहीं करेंगे, हमने वहाँ पैर रख दिया है, ये न्यूक्लियर वॉर है। अच्छी खबर यह है कि वो नहीं समझती कि रशियन ये काम कर सकते हैं। अगर वो एक बार इस काम में लग जाएंगे तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम और रायट्स चल रहे हैं, अगर हमने ऐसा किया तो वो देश बर्बाद हो जाएंगे। मैंने पता किया है, उस जगह के लोग हमारे दोस्त नहीं हैं, और प्रेसिडेंट भी ये मानते हैं कि आइडिया बुरा नहीं है। उससे तो हजारों लोग मर सकते हैं। तुम अभी तक अंडर कवर हो, शायद 18 महीने से समय आ गया है ब्रेक का। मुझे हॉलिडे नहीं चाहिए। मैंने जो कहा है वो करो, सस्पेंशन विथ रीइंस्टेटमेंट पेंडिंग रिव्यू। इस हादसे को पूरा होने दो, तुम इससे दूर रहो, फिर हम सोचेंगे तुम्हें दोबारा लेने की। तब तक मुझे कोई काम मिल जाएगा अपने आप को बिजी रखने के लिए। Thank you.
डॉक्टर ग्रे। यहाँ आने का शुक्रिया डॉक्टर, मैं हूँ जोशुआ डेन, चेयरमैन और सीईओ डीन टक के। ऐसे बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये डिस्कशन जरूरी था। वैसे मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि मेगल डॉन फिर से तुम्हारे बिजनेस में घुस रहा है। मेरे पिता को बहुत रुचि होती है इस बारे में, लेकिन मैं वो नहीं हूँ और ये उनकी कंपनी नहीं है। मेरे साथ आएंगे एलिसन? हाँ क्यों नहीं। इस तरफ, मुझे लगता है आप हैरान हो जाएंगे। मेरे पिता ने कहा कि अपनी जगह बनाओ, तो वही मैं कर रहा हूँ। प्लैनेट को नशीला करके पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका मेगलडॉन के साथ क्या संबंध है। कोई भी पूरी कहानी समझ नहीं पा रहा है। वो शार्क भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। वो वापस आता है क्योंकि अर्थ को उसकी जरूरत है, लेकिन हमेशा हम उसको जल्दी से जल्दी मारने की कोशिश करते हैं। एडमिरल जैक्सन आधी दुनिया खत्म कर देंगे उन शार्क्स को मारने की कोशिश में, लेकिन अगर हम उन्हें कैप्चर कर लें सीक्रेटली, तो हम कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं जिससे ना ही एनवायरनमेंट को नुकसान हो ना हमें। शायद हम इस नेचर के रोल को समझ सकें। क्यों? राइट। लेकिन मिलिट्री ऐसा कुछ होने नहीं देगी। हाँ एग्जैक्टली, तुम जानती थी। हाँ। तो इसीलिए हमारे पास आया और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी। मैं ऑनर महसूस कर रही हूँ। तुम में से स्पेंसर कौन है? बाकी सब लोग बाहर जाओ, तुम्हारे लिए काम खत्म आज। रोबोट, ये तो सोवियत प्रोजेक्ट है कोल्ड वॉर के टाइम से। इसमें काम रोक दिया गया था सालों पहले। ये एक ऑटोनोमस न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम है जिसमें रेड मर्क्यूरी यूज किया जाता है फ्यूजल मटेरियल के तौर पे। बड़ी अजीब सी बात है, ये सब शुरू हुआ अल्टरनेटिव एनर्जी एक्सपेरिमेंट से। ये काल्पनिक है मेरे ख्याल से, मैं इकलौता हूँ जो उसे हकीकत मानता हूँ। गलत मत समझना, ये एक औजार है, सबसे शक्तिशाली औजार जिसे दुनिया ने नहीं देखा। वो कैसे काम करता है? देखिए, ये रशियंस, उन्होंने सोचा हमारे एसडीए प्रोग्राम्स, उन्होंने सोचा कि हमारे एसडीए प्रोग्राम कोई भी क्लियर मिसाइल शूट कर सकता है, तो उन्होंने एक बॉम्ब पैदा किया जो काम में आएगा। ये एक ऐसा बॉम्ब है जो इतना खास है कि किसी भी जगह पर अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। कहाँ, क्या है? देखिए बात यह है, रोबो एक वन शॉट डील है जिसमें इतना रेड मर्क्यूरी है कि वो अपने आप से भी हजार गुना से ज्यादा ब्लास्ट कर सकता है। अंत में पूरी दुनिया इसकी टारगेट हो सकती है। उसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं? ये एक विनाशकारी मशीन है, इसमें ऑफ का स्विच नहीं होता है कभी। वैसे हमेशा एक ऑफ स्विच होता है। एब्रामॉफ, डॉक्टर सर्गी एब्रामॉफ, उन्होंने इसे डिजाइन किया है। अगर कोई इसे जानता है तो वही है। वो कहाँ पे है? खैर, यही सवाल लोग पिछले 35 साल से कर रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट खराब कर दिया और गायब हो गए। आओ चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? वॉक पे, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ओह नहीं 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 नहीं, हमें दूसरी दिशा में जाना चाहिए, जितना भी दूर हो सके उस रोबो से। समझ गई आप? अगर तुम कहते हो इतना बुरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ छुप रहे हैं। या तो तुम मुझे बचाते हुए मर जाओगे या फिर तुम छुपते हुए मर जाओगे, ये तुम खुद सोच लो। मैं फील्ड एजेंट नहीं हूँ, मैं हर प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो चुका। चलो फिर तो इजी लेसन से शुरू करते हैं, कैसे CIA प्लेन को चुराया जाए। वो मेगा शार्क्स की तरह इनविजिबल नहीं है, मगर नए नेवी के शिप्स की तरह वो डूबने के लिए बहुत मजबूत है, और उसके बायो कंपोजिट स्टील से भी ज्यादा मजबूत हैं। वो अपने आप इस जमीन पर कहीं पर भी जा सकती है। लेकिन मुझे जिसका गर्व है वो है हमारे लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट। तुम्हारे EMF जनरेटर से हम इसे लोगों से हटा कर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत खूब, इतनी जल्दी तुमने ये कैसे बना लिया? हमने पिछले साल शुरू किया तुम्हारा ईमेल मिलने के बाद। क्या कहा तुमने? मेरे ईमेल को हैक किया? मुझे माफ करना, लेकिन मैं शार्क्स के लिए तैयार रहना चाहता था। लेकिन वो गलत, क्या तुमने कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग जैसा देखा मेरे कंप्यूटर पे? तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है, शार्क्स ही तो तुम्हारी जिंदगी है।
हाँ, मेगा डॉन ही मेरी पूरी जिंदगी है और तुम्हें ये नेगेटिव लग रहा है। एडमिरल ऑन द ब्रिज। मुझे नफरत है उससे। स्टेटस क्या है कमांडर? फुल फ्लीट 500 मीटर शोर में USS लैक लगा दिए गए हैं डॉक्टर बुलोक के डायरेक्शन पर। हार्बर से हमें क्लियर चैनल मिला है। डॉक्टर बुलोक, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? ये बहुत ही आसान है एडमिरल, तभी हम लेके आएंगे डिनर की सामग्री। डेन, मैंने रीकैलिब्रेटिंग किया है अपने स्पेक्स पे। सब सुनिए, मुझे फाइनल एम्बुश की फॉर्मेशन 30 मिनट में चाहिए। ये तो कैप्टन जैक्सन है, हम उसके कम्युनिकेशन पर इंटरसेप्टिंग कर रहे थे। मदद मिलती है जब तुम वो आदमी हो जिसने सारे सिस्टम बनाए। लगता है कि वो एक जाल बना रहे हैं बे ऑफ जिब्राल्टर पे। डेन, वहाँ 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। तुम्हारे डिवाइस को परखने का वक्त आ गया है डॉक्टर। ये काम करेगा। सर, हमें सोनार कांटेक्ट मिल रहा है। वो हमारा शार्क है? नहीं, वो एक शिप है। हमें पुकारा गया है एडमिरल, वो डॉक्टर ग्रे हैं। एडमिरल, हम EMF जनरेटर से काम कर रहे हैं। अगर आप मेरे प्लान के हिसाब से जाएंगे तो सिविलियंस की जान को खतरा कम होगा। आप सोच लीजिए। उसे अलाउ मत कीजिए डीप सी में जाने के लिए। कमांडर, चैनल ओपन करो और देखना कि ग्रे मेरी बात सुन सके। मैं एडमिरल जैक्सन। हम मेगा शार्क से भिड़ने वाले हैं। क्वारी की डिस्ट्रक्शन हमारी प्रायोरिटी रहेगी और लाइन ऑफ फायर के बीच में जो कोई भी आएगा हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये बात आप लोग समझ लीजिए। साउंड जनरल क्वार्टर्स। ये ड्रिल नहीं है जनरल क्वार्टर्स। जनरल क्वार्टर्स, ये ड्रिल नहीं है। रिस्क के बिना गिफ्ट नहीं मिलता। TK-421, हमारे एयर स्पेस में एक अनऑथराइज एंट्री हो गई है। ऑल वेल? ऑल वेल। सर, सोनार अनयूजुअल कांटेक्ट पिकअप कर रहा है। वो सामने है। सभी जहाज फायरिंग पे होल्ड रखेंगे जब तक वो शैलोज में नहीं आते। उसके बाद रैग्नारॉक। विल्हेम, उसके नजदीक ले जाओ। कुछ गड़बड़ है। रुको। अरे वो कहां छुप गया? डैमेज, हमें उसके नजदीक जाना होगा जिससे वो सिविलियन से दूर हो जाए। रैम्स और नजदीक जाओ। TK-421, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, वापस आ जाओ। सब अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट को एडवाइस किया जाता है। US नेवी इज एंगेजिंग मेगाडॉन। मेगाडॉन बहुत तेज जा रहा है टारगेट के लिए। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ नहीं बचेगा। इट्स वर्किंग। TK-421, तुम मेगा
मेगल डॉन डाइवर्ट की तरफ अप्रोच कर रहे हो। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? भूल जाओ। TK421, यू आर शार्क कोमिटा, मिशन कंट्रोल। ये उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा, जब तक फायर करो जब तक मेगा शार्क खत्म नहीं हो जाता। संभल के स्पेंसर, उसने प्लेन को हिट किया। कैसा लग रहा है? ओह नहीं नहीं नहीं, बेड पर वापस जाओ, चलो जाओ। तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को चोट लगी है, वरना मेगल डॉन को हम नहीं छोड़ते। हस्बैंड स्पेंसर, मैं कितने घंटे से बेहोश? गहरी चोट है। ओह वो आदमी तो 6 घंटे से। आप डॉक्टर हो? नहीं नहीं, मैं मेरीन बायोलॉजिस्ट हूँ। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वैसे एमडी चाहते थे कि मैं हमेशा से रेस्ट करूं, पर वो हो ना सका। हाँ तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारा शोल्डर ठीक नहीं है। तो ठीक है, तुम्हारे आराम के लिए कुछ दवाई दे देती हूं। छोड़ो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? नहीं, तुम इस तरह से उठकर नहीं जा सकती, तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। आओ, मुझे नहीं देखना चाहिए था। मुझे लगता है मुझे तुम्हें फॉलो करना चाहिए। हाँ स्टेटस कमांडर, पॉजिटिव सोनार कॉन्टैक्ट सर। हमारे निशाने से मैच करता है? यस सर, बहुत बड़ा वेल है, जैसे डॉक्टर बुलक चाहते हैं। सभी लोगों को तैयार कर लो, जब तैयार हो जाए तो फायर कर देना। किंग, तुम यकीन नहीं करोगे कि हम किसके शिप में हैं, और हम मेगल डॉन का पीछा कर रहे हैं। CIA, जॉश वडेन, मिलके खुशी हुई। मोरा किंग, मेरे पास बेकार बातों के लिए टाइम नहीं है। हम CIA की तरफ से आए और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। CIA? वैसे पूरी तरह से नहीं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए शोर तक पहुंचने के लिए। हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन पे हैं। हमारे जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, एक रोबो है, अगर उसे नहीं पकड़ा तो सब बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसे बनाने वाले को पकड़ना है। एब्रामोफ, तुम एब्रामोफ को ढूंढ रही हो? ये कैसे? मैंने नहीं बताया इसको। उसका नाम हमने रशियन इंटरनेट से लिया है। वो एब्रामोफ के बारे में क्या कह रहे हैं बताइए। वैसे पिछले 6 घंटों से उन पे रेड की गई सेंट पीटर्सबर्ग में, फिर मॉस्को यूनिवर्सिटी पर, फिर उसके बाद एक अपार्टमेंट में। इन सारी जगहों पर तो वो रहता था बचपन से ही। तुम्हें नहीं लगता उसे देर हो जाएगी? ना, उन्होंने कुछ कहा था गायब होने से पहले। जब रोबो चलेगा मैं वापस आऊंगा पेरिलोस से नर्क में मिलने। पेरिलोस? वो एक पुराना ग्रीक ब्लैकस्मिथ था। उसने एक टॉर्चर मशीन बनाई थी, राजे को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे अंदर डालकर जला दिया। तो एब्रामो चाहता है कि उसे जिसने इन्वेंट किया है वही उसे मार डाले, और वो उनका इंतजार कर रहा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? बेलसेस्टी, एब्रामो रशिया में पला था लेकिन वो यतीम था। वो जन से रोमेनियन है और उसका फैमिली फार्म बेलसेस्टी से बस कुछ ही दूर पर है, और रोबो भी उसी दिशा में जा रहा है।
तो रोबो को इसलिए बनाया गया है कि वो वहाँ पे पहले अटैक कर सके। ठीक है, मेरे पास सलूशन है। किंग स्पेंसर, चलो मेरे साथ। तुम इसे भी चलाने में क्वालिफाइड हो? हाँ नहीं, सबेल को T4 से बांध दिया है, परमिशन दीजिए बात करनी है। हमेशा कमांडर। सर, कुछ लोगों को इस टैक्टिक्स के बारे में शक है और मुझे भी है, तो आप क्या कहते हैं? शाक इसे ज्यादा खा सकते हैं कमांडर, ऐसा मैं समझता हूँ। डॉक्टर बुलक्स के प्लान को UN डायरेक्टिव्स और मैंने मिल के अप्रूव किया है, और तुम्हारे पास लीगल चीजें भी हैं? नहीं सर, ये लीगल नहीं, वही इश्यू है। मैंने ऑब्जेक्शंस नोट कर लिए हैं कमांडर, डिसमिस्ड। यस सर। सर, डॉक्टर, मैं समझता हूँ कि ये लास्ट टाइम से ज्यादा इफेक्टिव होगा। ड्यू रिस्पेक्ट एडमिरल, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपके पास मेगा शार्क लेके आऊँ। मैंने पहले ही कर दिया है, चाहो तो आगे भी करूँगा, मगर मैं उस काम को अंजाम दे सकता हूँ। मगर सर, आप उस काम को अमल करेंगे? ठीक है, चलो मछली पकड़ते हैं। साइलेंट रनिंग। मैं नहीं चाहता कि हमारा इंजन कहीं पे भी कमजोर पड़े। मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। आए। मैं भी आई सर। ठीक है, आज मरा हुआ शार्क देखोगे तुम लोग। मैं भी यही चाहती हूँ। साइलेंट रनिंग कंफर्म। सर, अकॉस्टिक कांटेक्ट। किसी भी समय एडमिरल। वो उसे खाने आ रहा है। मेरे ऑर्डर का इंतजार कर रहा। शुरू करो। एडमिरल जैक्सन, जॉस मेडेन। कमांडर पार्कर ने तुम्हारी रीसेंट फाइंडिंग्स के बारे में बताया डॉक्टर ग्रे। ये होता ही रहेगा, अगर तुम लोग धक्का लगाओगे तो ये और भी बुरा हो जाएगा। अपने आसपास देखिए डॉक्टर ग्रे, अगर आपके जाल में वो फंस जाता तो क्या होता, आप समझ सकती है ना? आपको लगता है कि UN मिस्टर डैन को जू बनाने की परमिशन देगी या मैं ही उसके लिए परमिशन दूंगा? तुमने कहा कि तुम गाइड कर सकती हो, तो मेरी इसमें मदद करो। उसे फंसाओ अपने जाल में ताकि मैं उसे मार सकूं अपने इन हाथों से। लॉन्च की तैयारी करो शिप में, क्योंकि मैं अभी 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। सर, मुझे नहीं लगता है कि सारी बॉडीज को लोड कर सकते हैं। शार्क हमारा इंतजार नहीं करेगा और न ही हम, तो आप अपने ऑर्डर्स लीजिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा इन सब पर। तुम खुश हो? तुम्हारे हाथ खून से लदे हैं जैसे मैगल डॉन के। इतनी ज्यादा भी एक्टिंग मत करो एलिसन। अब तुम हिंसा पर उतर आई हो, लग रहा है कि तुम हिम्मत हार चुकी हो। आओ चलते हैं। मुझे यह फार्म जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या करें? यहाँ पर एक फार्म तो था, मतलब 100 साल पहले,
काफी कुछ बदलाव आ गया है उस समय से। वो जहां पर भी होगा यहीं पर होगा, है ना? देखो यहाँ कुछ अजीब सा है ना, मतलब यहाँ पर अस्तबल रहा होगा, वहां पे शायद दुकानें होंगी, फार्म हाउस वहां पे हो सकता है। चलो वहां जाके देखते हैं। लगता है कई सालों से यूज नहीं किया ये जगह। टेरेस पासिंग, ओके। वोट का चुरा रहे हो? एक प्रॉब्लम है डॉक्टर एब्रामा। यहाँ डॉक्टर नहीं है, हम खेती करते हैं, फार्मर। ठीक है, ये हमारी गलती है, पर यहाँ पे हम बहुत बुक्स देख रहे हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में। मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ टॉयलेट के लिए। क्या आप आर्गोनॉटिका भी यूज करते हैं? ये जैसे नंदी आर्गोनॉट्स है ना, इसमें कहानी जो मुझे बहुत पसंद है, एक जो टैलोस के ऊपर है, पीतल का बना हुआ बहुत बड़ा पुतला, आप जानते हैं टैलोस। वाह क्या बुकमार्क है, सिस्पेरिया रस्तौल हिस। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस जमाने में, बहुत मुश्किल है। अब मैं मौत के बिल्कुल करीब हूँ। डिस्ट्रॉय ऑफ वर्ल्ड, ओपेनहाइमर ने ऐसा कहा है कि जब उसने अपना पहला एटम बम बनाया, डेटोनेट। मैं रोबो को सच साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता था, मैं उसके लिए अपना कुछ भी दाव लगा सकता हूँ। अगर मैं एक आदमी की तरह हूँ, तुम जानते हो मुझे मौत मिलनी चाहिए। नहीं, अगर आप दुनिया खत्म ना करें तो? हो सकता है दुनिया पूछेगी कि बनाओ इस मशीन को, हो सकता है ये दुनिया जीने के काबिल नहीं है। जब मैं एक जवान आदमी था, मेरे देश ने मुझसे कहा कि इस चीज को कामयाब करो, सीक्रेट बहुत कम को पता है। मैंने ही ये रेड मर्करी बनाई है, एक पावर सोर्स लोगों की मदद के लिए। मैंने बहुत मेहनत की, तब मैंने वो मशीन बनाई लोगों को खत्म करने के लिए। रोबो रोबो पता है देशभक्ति ये सब बनवाती है। उसका नाम क्या था? आनिया। ओके। वो मेरी सीक्रेट थी, उसे बचाने के लिए, मगर उनसे कोई सीक्रेट नहीं मिला। वो समझते मैंने उसे सब बता दिया। वो स्पाई थी, और तुम जानते हो कि स्पाई के साथ कैसा सलूक किया जाता है, हैं? इसीलिए मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया रिसर्च को, लैब जहरीला कर दिया, और फिर गायब हो गया। वो नए ऑर्डर्स नहीं दे सकते अब, वो अब कुछ नया भी नहीं बना सकते, और इसकी बराबरी वो नहीं कर सकते। सो उसे जमीन में दबा दिया। समझते हैं वो नहीं उठेगा। बहुत परेशान।
तो जब ये हुआ आप सामने क्यों नहीं आए? सब देश डिसआर्ममेंट नहीं चाहते हैं, सब देश वही आर्ममेंट चाहते हैं, बस और ज्यादा। मैंने बहुत कुछ कर दिया। मैं रोबो को शुरू नहीं करना चाहती, मैं उसे रोकना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें खुद मार डालूंगी, अगर तुम यही चाहते हो तो। उसका भी एक रास्ता है। वो कंट्रोलर जो मैं यूज करता था टेस्टिंग के लिए कहाँ? और वो है डॉक्टर एब्रामो, चलिए चलिए। आनिया आनिया, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। मैं यहां से दूर ले चलो। चलो 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 चलो। होल्ड टाइट, होल्ड टाइट। लगता है अब सब ठीक हो गया। भाई तानिया शायद जैक्सन एक और अटैक की तैयारी में है, पूरा मिडिल ईस्ट तबाह करना चाहता है। डेन, मैं विलहेम एडमिरल को कांटेक्ट करो, उसे कहो जो वो चाहते हम करेंगे। तुम सीरियस नहीं हो सकती। तुम और क्या चाहते हो? पैरी जो कर रहा है वो एक तरफा है। तुम्हें नहीं लगता है कि उससे दो या चार या उससे भी ज्यादा मेगलडॉन हो सकते हैं जिसे दुनिया में किसी को बचाया नहीं जा सकता? लेकिन तुम उन्हें सेव करना चाहती थी। मैं अच्छा सुनो, प्लैनेट को मेगलडॉन चाहिए तो वो किसी भी तरह से वापस आएगा। हमें ये चूज करना है कि हम किसकी तरफ हैं। अब तुम पेरिस चूज कर रही हो। इंसानियत को चूज कर रही हूँ। और तुमने कहा था कि मैं इसकी इंचार्ज हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ। I'm sorry. सर, अब क्या करना चाहते हो? हम लोग उसी साथ अकेले जाएंगे विलहेम। एडमिरल, ये डॉक्टर ग्रे है। आफ्टरनून डॉक्टर ग्रे, मैं समझता हूँ अब तक आपको सारे रूल्स पता चल गए होंगे। हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। ईएमएफ जनरेटर को यूज करके मेगलडॉन को दिलचाएंगे, उसके बाद उसे मार देना। तो तुमने हमारा साथ दे ही दिया। कमांडर फ्लीच, खोल दो फॉर्मेशन के लिए। यस सर। सर, यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है मेगलडॉन की तरह। डॉक्टर ग्रे, स्टैंड बाय। हमारा शार्क जहाँ से आ रहा है उसकी दिशा है साउथ ईस्ट। उसे फ्लीट से घेर लीजिए और उसके बाद उसपे हमला कीजिए। अपने फ्रीक्वेंसी के इस्तेमाल से उसे हाफ माइल की रेडियस पे रखिए, अब बाकी हम संभाल लेंगे। डॉक्टर ग्रे, अभी
कर रहा है। USS across the fleet, अपने फॉर्मेशन में आइए। डॉक्टर ग्रे, हमें एक टाइटल नेट चाहिए। सब वो पोजीशन में है। फायर! डॉक्टर ग्रे, एक और बार। सर, ये इंपैक्ट बहुत क्लोज था। और तुमने मेन सर्किट में ब्लो कर दिया, जनरेटर डाउन है। ग्रेस, ईएमएफ ऑफलाइन है। बहुत डैमेज की खबर आई है यैटलिन और कोहन से। लॉसन पूरी तरह से डिसअपियर हो गया है। ठीक है डॉक्टर, सेलर्स चलो। हम शिप की कंप्यूटर कोर में क्यों आए हैं? सर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सेला, अब हमें क्या करना चाहिए? ओह माय गॉड, दरवाजे पे खड़े रहो। ओह माय गॉड। कंप्यूटर, गैलेक्सिया को खोलने का रिमोट कमांड दो। ये नहीं हो सकता। एग्जीक्यूटिव ओवरराइड, बाकी सारे क्यूज हटा दिए जाएं। कंप्यूटर सिस्टम ब्लॉक्ड। ट्राइडेंट मिसाइल की लॉन्च की तैयारी करो। वेपन्स एक्टिवेट। न्यूक्लियर मिसाइल्स टारगेट है मेगा शॉट। एडमिरल मगर, फायर! एडमिरल, फायर! लॉन्च सक्सेसफुल। ये आपने क्या किया? जो मुझे करना था मैंने कर दिया, जो आप कभी रोका नहीं जा सकता। Oh my God, ये पागलपन है। मैं तो यहाँ पैसे के लिए आया था। मुझे यहाँ से भागना होगा। डेन, जो मैंने सोचा वही हो रहा है। Train to Jackson. क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिल, टेन पाका बोल रही हूँ। जैक्सन गया। मैम, मुझसे नहीं हो रहा है। सिस्टम को फ्रोज कर दिया है। सिर्फ 5 मिनट हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। क्या आप उन्हें रोक नहीं सकते? मैंने उसके कम्युनिकेशन बनाया, मैं उसे नहीं रोक सकता। रुको। क्या क्या मतलब? मुझे 5 मिनट और चाहिए। ओके। तुम क्या कर रही हो? ओके, मैं 5 मिनट का इंतजार कर रही हूँ। मैं मेगल डॉन को बाहर करने के लिए लीड करूंगी। न्यूक को तुम रोको।
से बाहर निकलना होगा। पार्कर, हमारे पास एक प्लान है लेकिन वो खतरे से भरा है। जैक्सन को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके सिस्टम का ओवरराइड कर सकते हैं। सर, डॉक्टर ग्रे ही कर रही है सर, समय से उसका इंपैक्ट बढ़ना चाहिए। पार्कर, मैंने कंप्यूटर तैयार कर लिए, जब मैं इन्हें रीबूट करूंगा तो ये तुम्हें कमांडिंग ऑफिसर मानेगा। तुम्हारे पास कुछ ही समय बाकी है, भगवान से प्रार्थना करो ये काम करे। रिबूटिंग कर रहा हूँ। सिस्टम सेटिंग डाउन, सिस्टम एक्टिवेट। गुड मॉर्निंग, मैं कमांडिंग ऑफिसर बोल रही हूँ। अबॉर्ट मिशन। कमांड इनवैलिड। एग्जीक्यूट अर्ली डिटोनेशन। मैं ये काम कर रहा हूँ। एलिसन, हमने मिसाइल रोक दिए, रास्ते से हट जाओ। डेन, मैं कोर ऑफ नहीं कर सकती हूँ। चार्ल्स को बोलो इनलेट पे फायर करे, तब हम अंदर ड्रॉप करेंगे। मुझे जो करना है मैं करूंगी। ऑल शिप्स इनलेट पे टारगेट करो, फायर। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम रोबो से फाइट नहीं करोगे? मेगा डॉन आउट ऑफ पिक्चर है। मेगा डॉन को कंटेन कर लिया है लेकिन उससे और भी प्रॉब्लम है। प्रेसिडेंट को इसके बारे में बता दिया गया है और रोबो के बारे में भी बता दिया है। वो काफी नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रही हो स्पेंसर। स्पेंसर, मैं कुछ नहीं जानता। क्या मतलब मैं कुछ नहीं जानता? मैं कुछ नहीं जानता। आन्या तुम्हें दिखाएगी। मैं इसका मतलब नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि उसे कैसे ढूंढूं। जोशुआ ने तुम्हें पूरे रशियन नेट का डेटा दिया है। इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उन्होंने जिन जिन को मारा है उसका रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा ताकि अपना प्रोजेक्ट सीक्रेट रह सके 40 साल पहले। मतलब कुछ होगा जो आप मिस कर रहे हैं। इसमें कुछ और नहीं है, मैं हार गया। ठीक है, यही कारण है कि मैं ऑफिस के बेसमेंट में रिपोर्ट्स लिखता हूँ, क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ और अब रोबो हर चीज का विनाश कर देगा क्योंकि मैं नहीं चाहता। स्पेंसर, जरा मुझे देखने दो। कॉम्पस, लेकिन ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है। नहीं, ये रेड मर्कुरी की तरफ पॉइंट कर रहा है। रोबो? नहीं नहीं नहीं, वो तो दूसरे दिशा में होगा, लेकिन ये जहां तो... ये सबसे पहले पोलराइज हुआ था, जहाँ एब्रामॉफ रेड मर्क्यूरी इन्वेंट किया था। कहाँ है वो?
मेरे ख्याल से कमांडर हमारे पास एक लोकेशन है। मैं तुम्हें रियल टाइम की सैटेलाइट पिक्चर भेज रही हूँ। उन्होंने ओशन लैब बनाया पहाड़ के बगल में। सोचो, सोचने जैसी कोई बात होगी। ब्लैक सी मेरोमैटिक है। अगर वहाँ 500 फीट नीचे जाओगे तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अगर कुछ उल्टा सिल्टा हो गया तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट खतरे में पड़ जाएगा। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्यों? एक मिनट रुको, तुम्हारे पास सब है? जसमाल, मुझे लगता है कि हम एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हैं। ठीक है, उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। कमांडर, अनफॉर्चुनेटली एडमिरल जैक्सन ने न्यूक छोड़ने का अटेम्प्ट किया और तुमने डंप किया मैगलडॉन को। हम लोग फेवरेट लिस्ट में नहीं है ब्लैक सी नेशन में। अगर नेवी एंटर कर गई तो हम जिम्मेदार रहेंगे वर्ल्ड वॉर 3 के लिए, इसलिए दूसरा रास्ता ढूंढो। मेरे पास एक प्लान है, पर मुझे तुम्हारे वीटो की जरूरत है। ठंडे दिमाग से सोचो। हेलो कॉमरेड, ये जरूर फंसेगा मेरे जाल में। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? ये तुम अपने आप से पूछो। ये मेगाडाउन का खात्मा होके रहेगा। जाओ विलहेम, उधर जाओ। वो किसी भी हद तक जा सकती है। वाह, तुमने कर दिखाया। वेल डन किंग। मुझे जाके अपना रिमोट लाने दो। रुको सारा, दिक्कत हो सकती है। टेन को हमारे चारों ओर लड़ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ। रहा कोलोसो का लैब, देखो ये गरम है। 433 रेड मर्कुरी रेडिएशन। डॉक्टर एब्रामोस पार्टिंग शॉट, कोई भी इस जगह को पहचान नहीं पाया। अगर ये लाल हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। हाँ, उसके कई रीजंस हैं। चलो चलो। तुम्हें किस चीज का इंतजार है? ये एब्रामोफ का रिमोट है जिससे रोबो का फंक्शन होता है। ये तुम्हें एक एडिंग मशीन की तरह लगेगा। अलग बटन, अलग सिंबल्स होंगे, कुछ तो निकलेगा, है ना? स्ट्रेट रन, फैक्ट्रीज, ऑफ द शेल्फ पार्ट्स, वो सब कुछ हम कई तरह से देख सकते हैं। हम लोग अलग अलग जाएंगे ढूंढने के लिए। हम उस तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हो? Hey guys, ये किस काम आएगा? अच्छे लग रहे हैं।
कुछ भी। सुनो, नथिंग। हमें यहाँ से जल्दी बाहर जाना होगा। हमें जब तक वो नहीं मिल जाता हम नहीं जा सकते। जल्दी चलो। सीरियसली? ओह कम ऑन, बैक टू सब, कम ऑन। ये वो रिमोट, मेरी बात मानो, वही है। ओके ओके, मैं आती हूँ, तुम चलो। और तुम? मैंने कहा ना जाओ। और तुम? गो। किंग कहाँ है? बस वो आ रही है। आओ चलो। डेन में आ गई हूँ। गुलाम क्या है? हमें साथ मिल गया। रोबो का क्या हुआ? जाओ जाओ जाओ। जल्दी करो। हाँ, तो मुझे बटन दबाती हुई देख रही हो ना? बाजू हटो। स्क्रू ड्राइवर कहाँ है? गाइस, दोस्तों, ये पावर के बिना काम नहीं करेगा। यस, वेरी गुड, चलो। ओ मिस्टर डेन, हेल्प करने के लिए धन्यवाद। ना 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 ना, हिलना मत। जोशुआ, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें सब समझ में नहीं आएगा एलिसन, मैं दुनिया बचा रहा हूं। पहले से अब बेहतर है। आप फ्यूल सेल्स का क्या करें? इसका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। तो तुमने बेनेडिक्ट को हायर किया था? तुम जान गई? फ्रीक्वेंसी चुराई, कमीने कहीं के। समुद्र को कंट्रोल में कर लो तो पूरी दुनिया कंट्रोल में आ जाएगी, ऐसा डैड कहते थे। बब बब बब। ये पूरा तुम्हारा ही प्लान था। तुमने मेरे ईएमएफ जनरेटर को खराब किया था, ठीक कहा? इसीलिए तुम उसके साथ गए थे। We have a winner. मैं जानता हूँ कि रेड मर्कुरी में मेरा हाथ जाता है, लेकिन शाक को मारने पे मैंने साथ नहीं दिया। नहीं, रोबो। वही तो बोनस है मेरा। तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं जमीन और सागर दोनों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम हमें मार क्यों नहीं देते? यही चाहते हो ना तुम?
भरोसा करो एलिसन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर तुम मुझे फोर्स ना करो तो मुझे अब जरा माफ करना, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल करना है। मेरा नाम जोशुआ डेन है, आप कई लोग मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं अब मेगा शार्क और रोबो को कंट्रोल करता हूँ। हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करवाओ। ये धरती खत्म हो रही, और बहुत दिनों से मैं विनती करता आ रहा हूँ कि इस डिस्ट्रक्शन को रोकिए, आपका देश खत्म हो रहा है। पर आज मैं और नहीं विनती करूंगा, आज मैं इसे बचाऊंगा। इसमें थोड़ा ज्यादा सैक्रिफाइस करना होगा। पोल्यूटेड सिटीज को खत्म हो जाने दीजिए ताकि हम नई शुरुआत कर सके। मुझ पे भरोसा रखिए, आपके भविष्य के लिए एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। मेरे साथ मिल जाइए। इसका अंजाम क्या होगा पता है तुम्हें? क्यों, मुझे वार्निंग तो देनी थी ना। पापा जरूर रुको, तो यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं। सही वक्त पे। जर्मनी, रशिया, यूक्रेन, यूएस भी दिखाई दे रहा है। मैं सबको साथ लेकर आ गया। कमांड, परमिशन दीजिए फायर करने की। सर, टर्फ, कमांड चलो। जोशुआ डैन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। क्या हम पूरी कोशिश करें सर? डेफकॉन 3 का इस्तेमाल करें सर। डेफकॉन 3, और सबको इस नोटिस के हिसाब से चलना होगा। चलो उस काम पर लग जाते हैं। यस सर। पेंसन, जरा अपना हाथ देना, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, चिल्लाना मत। क्यों, ऐसे क्या करने वाले? अभी तुरंत। कमांडर पार्कर, परेशानी है, वी आर एग्जीक्यूटिंग डेफकॉन। कॉपी दैट। टू एयरक्राफ्ट। पार्टी खत्म इतनी जल्दी? ऑफिसर ऑफ द डेक। यस मैम। शिप को संभालो, सबको कहो नीचे खड़े हो जाएं, वो लोग कीप पर डिप्लॉय करें। ओके मैम। सभी बड़े लोगों को बुलाओ। तगेपा, मैं गिवर से एक बार मिला हूँ। रेगन, डैड और मैं उसके पूल में तैरे थे, बस उसी बार वो मुझसे अच्छी तरह मिला था। है तो Thank you.
मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कोशिश करनी थी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता था कि कितना बेकार है वो। और उसके बाद तुम न्यूक्स फेंकोगे और शायद तुम मुझे मारने के लिए कामयाब भी हो जाओगे, लेकिन ये प्लैनेट के लिए बुरा है। और अगर मैं मर गया तो मैं रेड मर्क्यूरी को एटमॉस्फेयर में छोड़ूंगा और सारी हवा जहरीली हो जाएगी, और मैं नहीं जानता शायद हजारों सालों के लिए। ये सब कमाल का था ना, अब चलो। सर, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। रोबो इज ऑफलाइन, रिमोट लिंक इज इनएक्टिव। क्या हुआ? अरे स्पेंसर, किसी तरह से बचाओ मुझे। कमॉन, शुरू हो जा। रिमोट इज इनएक्टिव, रोबो ने शिप को टारगेट किया है। बेवकूफ शार्क। आ जाओ जल्दी। अरे तुम ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। क्या फायदा? सब ठीक है, सब ठीक है। उठो, उठो ना स्पेंसर। मेरा अंगूठा बहुत दर्द कर रहा है। हम दोबारा मिलेंगे। वो कह रहे हैं कि हम दोबारा मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। Come on, Spencer. मैं आ सकता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन खाना अच्छा खिलाओगी ना? लेकिन सी फूड नहीं चलेगा। बहुत हुआ स्पेंसर, छोड़ो ना। छोड़ू कैसे, अब तो जिंदगी भर साथ निभाना है।